इतना बड़ा नुकसान मेरे आते ही देखो। नर्सरी आई सुबिस बी ये वाले तो नहीं है, अच्छे लग रहे ना। रेड है, पिंक है, व्हाइट है, एक ही वाला, एक ही में अलग अलग आएंगे। एक में ये व्हाइट है नहीं हमारे पास, ये तो ये ले जाए, ये गमला तो ले आना, फिर कब दोगे? मुझे तो याद भी नहीं है कि कौन से गमले हैं, पहली बार तो ले जा रहे। चलो फिर हमने ले लिए दो, ठीक है, ऐसा फ्लावर। हे गाइस, बड़ों को नमस्ते, पहला छोटे को बहुत सारा प्यार। तो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज आपने देखा होगा नर्सरी से हम व्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि आज हम सुबह सुबह नर्सरी पहुंच चुके हैं 9 बजे, और दीव्यू को हमने स्कूल छोड़ दिया है और हम लोग यहाँ पे आए थे। देखो क्या क्या कूड़ा भर रखा है ये। कल हम पपीते भी लाए थे, वो नहीं बताया। अच्छा, तो ये कूड़ा इसी में रह गया। तो हमने दो फ्लावर ले लिया। असल में हम ना क्या लेने आए थे, हम लेने आए थे गमले। पापा ने भेजा था हमें कि साथ साथ में ना वहाँ से गमले भी देखते हुए आना। ऐसे तो फूल वूल सब गमले पापा ही लेकर आते हैं, हमें ज्यादा आइडिया भी नहीं है, लेकिन हम पहली बार ले जा रहे हैं। अब ऐसा ना हो कि वो वाले पहले से हो, ऐसा तो नहीं होगा। अब मैं ध्यान दूंगी बाहर है कि नहीं है। बस अभी हम यहाँ से नर्सरी से निकल ही रहे हैं, 9:20 हो गया है और आज है ट्यूसडे, तो हमारा फास्ट है। और अभी जाके बस नहाऊंगी और पूजा वूजा करूंगी, और आज ट्यूसडे है तो लाइव भी है, तो उसकी भी तैयारी करनी है। गमले तो यहाँ पे मिले नहीं अभी, वो कह रहे कि अभी मंगवाएंगे, आप पता नहीं कब मंगवाएंगे, फिर आ जाएंगे। चलो बाद में, क्योंकि ये तो रास्ते में ही है। गेट खोलना है, मुझे वही टेंशन हो रही थी कि प्लांट्स जो हम लेकर आए हैं वो यहाँ पे पहले से है तो नहीं, लेकिन पापा तो सब पिंक पर्पल लेकर आए हैं। करवा चौथ का है ना, उसमें भी पापा ने जमा दिया है। ये है, ये है, ये है, ज्यादातर पापा सब पिंक पर्पल लाए, पे पर्पल ही है सब, लेकिन हमें व्हाइट भी लाना चाहिए था यार। एक मैं आए नहीं, फूल लाए हम, देखो दो नए यार। अब कहाँ पे लगाएंगे इसको हम। Hey guys, तो गाइज अब मैं सीधे ना आप लोगों से शॉप पे ही मिल रही हूँ, क्योंकि बीच में बिल्कुल भी टाइम नहीं था शूट करने का, और बस आपको पता ही आज फास्ट है हमारा, तो वही इसी काम में रहे। फिर फोन सचिन के पास भी था, और अभी आ गए हैं हम शॉप पे, क्योंकि 4 बज चुका है और ना लाइव का टाइम हो चुका है, और मतलब थोड़ा सा लेट हो गए क्योंकि दीवी ने ना लास्ट में, वैसे सो गई थी बट लास्ट में उठ गई, और हमें मुश्किल से, मतलब मुश्किल से हम आ पाए अभी। और यहाँ पे सेटअप कर रहे हैं हम अभी, आज हमारा इस केडीज का कलेक्शन हम दिखाने वाले हैं। देखो अभी सेटअप ही चल रहा है, देखो यहाँ पे इस तरीके से फटाफट से काम करना पड़ता है। और यहाँ पे हम लोगों ने लगा दिए हैं ये डमीज। तो चलो जल्दी से लाइव स्टार्ट करते क्योंकि टाइम ऑलरेडी हो चुका है, तो हम थोड़ा सा लेट तो रहते ही है, 5 मिनट लेट। जल्दी फिर आपको लाइव के बाद मिलूंगी। फाइनली लाइव हो चुका है और 5 बज चुका है और लाइव हमारा कंप्लीट, तो काफी अच्छा रहा। और यहाँ पे सेट भी हो गया सब, देखो, क्योंकि पता लाइव के बीच में कितना डिस्टरबेंस, क्या मतलब कस्टमर, अब शॉप पे है ना तो कस्टमर आते रहते हैं, आज हम वहाँ पे बंद करना भूल गए थे और ये फैल गया है अब। और ना मेरा आज फास्ट है, तो 1 घंटा बोलना मेरे लिए आज बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भरा रहा। 1 घंटे तक मतलब बीच बीच में मेरी आवाज़ अपने आप ही अंदर सब गड़बड़ हो रहा था, मैं पता रिपीट करना पड़ रहा था मुझे हर बारी, कुछ कुछ गड़बड़ निकल रही थी। 1 घंटा बोलना मतलब प्यास भी लगी। अब मैं चेंज वेंज करती हूँ और जल्दी घर को जाती हूँ। दीवी परेशान है, उसको मम्मा के पास जाना है, तो जल्दी से घर जाती हूँ उसके पास। बाकी नेगी जी संभाल लेंगे हमारा, मेरा इतना ही काम रहता है। नेगी जी क्यों, ओके तो गाइज मैं आ गई हूँ अपने पुराने अवतार में, तो अब मैं चलती हूँ अपनी दीवू के पास। मेरी दीवू मुझे मिस कर रही है, थोड़ा कुछ खाती हूँ फ्रूट्स, फिर आज हम मंदिर में जाएंगे। बहुत टाइम से हम मंदिर नहीं जा पा रहे, और टाइम से आ जाना है तुम और वो पार्सल यार, आप कल ही जा पाएंगे। चलो फिर ओके चलते। दीवू ने दंगा कर दिया,
तब आ रही, मैं तो रो रही थी मतलब बहुत आई। मम्मी देखो बैठी है यहाँ पे। हाँ टूट गए। हाँ क्रैक, हवा में उड़ गया होगा। अभी मैंने धोया है तब तो निखर टूटा जा रहे हैं। इतना बड़ा नुकसान मेरे आते ही, देखो है ना मेरे आते ही। हाँ मम्मी मम्मी बहुत दुखी हुई। हमें एक घंटे तक बोलती रही, मैं थक गई बोलते बोलते। तो आज करना जरूरी था। आज वो है ना मंगलवार और फ्राइडे को जाता है दो दिन। फिक्स है लड्डू। तू क्यों रो रहा था बाबू? ये देखो दीवो हमारा, क्यों रो रहा था ये बताओ। ओ बेटे की आवाज, क्यों रो रहा था? जब मैंने कहा कि दीवो शॉप पे चल, तब क्यों नहीं आई मेरे साथ? तो गाइज ये है हाल इसके, अभी चुपचाप है। तो गाइज फाइनली घर पे पहुंच चुकी हूँ। यहाँ के देखा दी वो एकदम ठीक है, खुश हो चुकी है। तो मैं चलो ठीक ही आई, वैसे मैं फ्रूट्स खाती हूँ कुछ। मैं हूँ किचन में और जो है 6:30 बज चुका है और मैं ना सब्जी चढ़ा रही थी यहाँ पे। तो ये है प्याज के पत्ते। ओह गिर भी गया मुझसे। प्याज के पत्ते आलू मटर की सब्जी है ये सब्जी भी अच्छी लगती है, पर हमने तो खाना नहीं आज। आज फास्ट है तो हमारा तो आपको पता ही, हम क्या खाते हैं। तो हम खाएंगे पराठा, दही और चीनी, मीठा कुछ तो ऐसा कुछ खाना होता है। तो मैंने कहा जल्दी से सब्जी रख देती हूँ और आटा वाटा गूंथती हूँ और अपने भी बनाऊंगी पराठे और मम्मी पापा लोगों के लिए भी। इसके बाद मंदिर जाएंगे और सचिन आज जल्दी आ जाएंगे शॉप से 7 बजे। अभी 6:30 बज चुका है। तो गाइस देखो हमारी जो है सवारी कहाँ को चली, कहाँ को क्या चली। हम मंदिर जा रहे हैं, 7:30 बज चुका है। देखो मम्मी भी जा रही है आज मंदिर हमारे साथ, हम बहुत टाइम बाद मंदिर जा रहे हैं। तो मम्मी भी जा रही है और हवा चल रही है बहुत तेज। हमने सोचा गर्मी आ गई लेकिन यहाँ फिर से ठंडी आ गई। ये लो जी, हम दोनों पीछे बैठ रहे हैं, दोनों सास बहू। और वो देखो कौन आगे बैठा है पापा के साथ। तो अंधेरा हो चुका है पूरी तरह और ना आज बिल्कुल ठंड हो गई, बहुत ज्यादा ठंड। और इतने दिनों से हमसे तो गर्मी हो गई, गर्मी हो गई। अब ना बस स्टेशन की तब पे अच्छा दिखने लग गया। बताया इसके पीछे ने पार्क बना लेना चाहिए था इनको। तो भाई चलो आप भी बहुत टाइम के बाद हमारे साथ मंदिर चलोगे हनुमान जी के। तो चलो फिर गाइस देखो हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर। आज आराम से जय हो बजरंग बली हनुमान की जय। गाइस देखो हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर और दर्शन करके आते हैं। चलो भी चलो बेटा अंदर। अच्छा बेल बजानी इसको। तो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं मंदिर से दर्शन करके और बहुत टाइम के बाद आए तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा। तो गाइस मंदिर से आने के बाद सीधे मैं अब आप लोगों से मिल रही हूँ 10 बजे। मैंने फटाफट से पराठे बनाए और फिर पूजा उजा करी, फिर पहले खाया, व्रत खोला मतलब, फिर सबको दिया, मम्मी पापा को भी खाना दिया। अब मैं यहाँ पे बैठ के दीव को खिला रही थी, ये लेट हो जाती है। वैसे खा लिया इसने, ये इसकी प्लेट अभी तक यहीं पे रखी है। नो 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 नो, नहीं 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 नहीं, ये देखो गाइस ये क्या निकाल दिया इसने। नहीं मुझे नहीं रे, प्लीज मेरी आंखें खराब मत करो। मैं थोड़ी देर इसको पढ़ा लेती हूँ और ऐसे काम हो रहे, नहीं तो इसके ऐसे काम हो रहे, देख रहे हो जबरदस्ती मेरी आंखों को खराब कर रही है। मैं जब से लिया है ना ये यूज नहीं करा, उसी दिन यूज करा था जिस दिन लाई थी। तो गाइस बस यही है, अब जो है बाकी सब लोग सोने चले गए। और पता आपको हमारे अभी के जो है बोर्ड्स के एग्जाम चल रहे हैं, मतलब पहला एक एग्जाम हुआ अभी और अच्छा हुआ। तो गाइस बस यही रहा आज का दिन पूरा, आपने देखा ही होगा हमारा फास्ट और लाइव और ये मंदिर गए थे, बस यही था। बस इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपको एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। आई होप कि आपको ये ब्लॉग पसंद आए, अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना चैनल को। हाँ मेरा है वो फेवरेट। अच्छा ठीक है,
आई होप कि आपको ये व्लॉग पसंद आए, अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करना, सपोर्ट करना और करें पर बाय बाय। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। हे गाइस, तो मुझे कुछ बोलने नहीं दे रही है।